नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए दो जबरदस्त उपाय लेकर आई हूँ, जो कि डेंगू में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाने का जबरदस्त उपाय है। अक्सर देखने में आया है कि बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। हमारे इन दो उपाय से प्लेटलेट्स की गिनती तुरंत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं दो जबरदस्त उपाय कौन से हैं और उनको कैसे करना है, और आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके सेवन की विधि भी बताएंगे जिससे आपको तुरंत आराम हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आइए जानते हैं वो दो उपाय कौन से हैं। ये देखिए, गिलोई और ये पपीते का पत्ता और ये एक गिलास पानी, एक उपाय। और दूसरा उपाय ये देखिए, एक गिलास दूध गाय का और ये तुलसी के पत्ते और ये गिलोई आयुर्वेद में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। गिलोई को अमृत बेल भी कहा जाता है। न तो यह बेल खुद मरती है और न ही सेवन करने वाले को कोई रोग होने देती है। और यह पपीते का पत्ता बहुत ही गुणकारी औषधि है। यह दोनों चीज़ें प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाने का काम करते हैं और यह दोनों डेंगू से लड़ते हैं, इसलिए इनका सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं इनका सेवन कैसे करें। अब गैस ऑन करते हैं और उस पर भगोना रखते हैं। ये देखिए, अब इसमें एक गिलास पानी डालते हैं। अब ये पपीते का पत्ता लेते हैं जो हमने धो करके रखा हुआ, इसको पीछे से काट देते हैं ऐसे, और इसको इसमें काट देते हैं ऐसे। और ये पीछे वाला हिस्सा नहीं डालना, सिर्फ पत्ता पत्ता डालना है। और ये गिलोई और ये इतना बड़ा टुकड़ा लेना है ऐसे, हाथ के माप का लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देते हैं। ये भी पहले धोना है, देखिए ऐसे। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे पानी में डाल देते हैं। अब इसको पकने देते हैं और इसको ढक देते हैं। और इसके सेवन की विधि भी बताएंगे, दूसरा उपाय भी बताएंगे। जब तक ये पककर तैयार होता है दूसरे उपाय पे चलते हैं। यह देखिए तुलसी, यह एक मानी हुई औषधि है। इसका अक्सर पूजा में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। और ये देखिए गाय का दूध, गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है। गाय का दूध और तुलसी डेंगू में बहुत ही मददगार हैं। इनका कैसे सेवन करना ये भी बताएंगे। और ये देखिए पहला उपाय जो पककर तैयार हो चुका है, ये देखिए पककर बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं। गिलोई और पपीते का पत्ता अपना एकदम रख इसमें छोड़ चुके हैं। अब इसको छान लेते हैं। ये देखिए पकने के बाद आधा गिलास हो गया। और ये देखिए जैसे ही ठंडा होता है सुबह शाम इसका सेवन करें, आपको डेंगू में ये बहुत ही फायदा देगा। अब दूसरी औषधि तैयार करते हैं। ये देखिए एक गिलास दूध इसको भगोने में डालते हैं और ये तुलसी के पत्ते, 5-7 पत्ते लेने, इनको ऐसे तोड़िए, पहले धोकर रखना और फिर इनको दूध में डाल दीजिए। और ये आधा चम्मच चीनी डालिए। अब इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। इसके सेवन की विधि भी बताएंगे। और ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है, तुलसी अच्छे से पक चुकी है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसको गिलास में छान लेते हैं। ये देखिए दोनों इतने ज़बरदस्त उपाय हैं, डेंगू और बुखार में तुरंत आराम देंगे। ये देखिए पहले गिलोई और जो पपीते का पत्ता, इसके पानी का सेवन करें और इसके आधे घंटे बाद गाय का तुलसी वाला दूध, इसका सेवन करें। आपको डेंगू और बुखार में तुरंत आराम होना शुरू हो जाएगा। और जय माता दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।